नूरपुर विधानसभा सीट पर एसपी प्रत्याशी से क्यों नाराज हैं पार्टी कार्यकर्ता? क्या नूरपुर सीट पर उल्टा पड़ जाएगा अखिलेश यादव का दांव? यूपी की कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इन दोनों ही सीटों पर एक बार फिर बीजेपी बनाम पूरे विपक्ष की दिलचस्प लड़ाई होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन नूरपुर सीट पर अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नूरपुर विधानसभा सीट से नईमुल हसन को उतारा है, लेकिन पार्टी कैडर ने नईमुल हसन का विरोध करना शुरू कर दिया है। बिजनौर जिले के तहत आने वाली इस विधानसभा क्षेत्र के एसपी नेता और कार्यकर्ताओं के मुताबिक बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से स्थानीय लोगों में इसके प्रति उबाल है। बताया जा रहा है कि पार्टी प्रत्याशी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी मुस्लिम मतदाताओं में है। यहां के लोगों ने ये तक कहने से गुरेज नहीं किया कि वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट देना पसंद करेंगे, लेकिन किसी बाहरी को नहीं देंगे। सबसे मजेदार बात तो ये है कि नूरपुर के सियोहारा, सहसपुर समेत कई इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं ने नईमुल हसन के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की बल्कि उनका पुतला भी फूंका। इन लोगों ने एक सुर से उम्मीदवार बदलने की मांग की है। नाराज मुस्लिम मतदाताओं ने दो टूक कहा है कि अगर एसपी अध्यक्ष ने उम्मीदवार नहीं बदला तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बीजेपी उम्मीदवार को वोट देंगे। आपको बता दें कि एसपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नईमुल हसन को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस वक्त उन्हें बीजेपी उम्मीदवार लोकेंद्र सिंह के हाथों करीब 12,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, साल 2012 में भी हसन को इस सीट पर शिकस्त मिल चुकी है। बावजूद इसके अखिलेश ने अपने करीबी नईमुल हसन पर यहां से फिर दांव खेला है। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के दिवंगत विधायक लोकेंद्र सिंह की पत्नी अवनी सिंह से होना है, लेकिन यहां एक बार फिर से अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।